हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टैग। दोस्तों, आज है संडे, तो आज मैं यहाँ पर जो है क्यू एंड ए वीडियो करने जा रहा हूँ। आप लोगों के जो भी कमेंट आए थे तो उनके मैं आज यहाँ पर जो है जवाब देने वाला हूँ। और तो चलिए, आज का जो क्यू एंड ए वीडियो है वो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर कमेंट आता है वो यहाँ पर सऊद अकरम का आ रहा है, और इनका कहना है, भाई ये जियो का सेट टॉप बॉक्स बिना ब्रॉडबैंड के भी ले सकते हैं या ब्रॉडबैंड के साथ ही लेना पड़ेगा, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो देखिए, आपको जियो गीगा फाइबर के साथ में ही जियो का जो यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स है, जो जियो गीगा टीवी है, वो यहाँ पर मिलेगा, यानी कि अलग से आप उसे नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो टैग अभय गुप्ता का है, और इनका कहना है, भाई 100K होने के बाद में कितने दिन लगते हैं सिल्वर प्ले बटन के आने में, कोई अच्छा सा गेमिंग फोन बताओ भाई। तो भाई, आपने जो है गेमिंग फोन के लिए तो यो है यहाँ पर अपना जो है कीमत नहीं बताया कि किस कीमत के आसपास चाहिए। तो आप वीवो Z1 Pro ले सकते हैं, और उससे ऊपर आप जाएँ तो आप जो है यहाँ पर जो है Redmi K20, K20 Pro और Vivo का S1 ले सकते हैं, Redmi Note 7 Pro ले सकते हैं, या Realme X ले सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे स्मार्टफोन हैं जो प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है आप जो है 100K के बाद में कितना टाइम लगता है जो सिल्वर प्ले बटन है उसको आने में। देखिए, जैसे ही आपके 100K सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, वो आपको 10 दिन बाद या 7-8 दिन बाद मिल जाता है। आपको एक वहाँ पर जो है गिफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाता है आपके क्रिएटर स्टूडियो पर, तो वहाँ पर आपको गिफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाता है आपके सिल्वर प्ले बटन के लिए। उससे आपको रिडीम करना रहता है, आपको वहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना पड़ता है और सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो उससे 3-4 हफ्ते के बाद में आपका सिल्वर प्ले बटन आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो अर्घ्य कमाल सिन्हा का है, इनका कहना है, जियो का ब्रॉडबैंड का प्लान क्या हो सकता है, प्लीज़ टेल मी सर। सर, पर मंथ कितना देना पड़ेगा, और आई लव यू सो मच सर, मेरा नेम लेना, आई लव यू सो मच सर। तो भाई, आपका नाम मैंने लिया और आपका जो नाम है वो मुझे कुछ सही तरीके से यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो आपने पूछा है कि जियो ब्रॉडबैंड का प्लान क्या हो सकता है। तो भाई, अभी जियो ने सिर्फ इतना बताया, जो ब्रॉडबैंड के प्लान होंगे वो 700 रुपये से 10,000 रुपये के बीच में होंगे। अभी सिर्फ इतनी ही न्यूज़ है, 5 सितंबर को सारे प्लान्स जियो के द्वारा जो है यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च कर दिए जाएंगे। और पर मंथ कितना देना पड़ेगा, तो आपको अभी तो मिनिमम यहाँ पर 700 रुपये देना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला जो सवाल है दोस्तों वो यहाँ पर RJ स्नेहाशीष कॉर्नर का है, और इनका सवाल है, सर आप मेरे क्वेश्चन कभी नहीं लेते हो, जियो गीगा फाइबर के साथ जियो टीवी फ्री आएगा या। तो भाई, जियो गीगा फाइबर के साथ में जियो गीगा टीवी फ्री नहीं आएगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो प्लान है शायद वो दोनों का सेम ही रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला सवाल है वो सिद्धांत कुमार नमिल का है, और इनका सवाल है, सर लव यू प्लीज़ सर, बताइए कि ये 5,000 में कौन सा होम थिएटर लूँ और कौन सी कंपनी का। तो भाई, आप साउंड बार ले सकते हैं, मी का 4,500 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है। टेक्निकल MK टैग चौहान का यहाँ पर जो है अगला सवाल आ रहा है, और इनका कहना है, सर जियो का 10 GB डेटा जो फ्री डेटा है वो कब मिलेगा और वो कैसे मिलता है। देखिए, जियो आप लोगों को 10 GB फ्री नहीं देता है, वो क्या क्या होता है कि जो आपके कुछ एक स्मार्टफोन है उन पर आपको वाउचर मिलते हैं जब आप पहला रिचार्ज कराते हैं या दूसरा तीसरा, जो भी जियो जितने ही रिचार्ज पर वो देता है, तो कुछ रिचार्ज पर वो आपको दिया जाता है। तो आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन होना चाहिए जिस पर जो है जियो आपको एक एड ऑन डेटा प्लान दे, तो ही आपको वो एड ऑन डेटा वाला वाउचर मिलेगा। तो तब आपको 10 GB डेटा वो वहाँ पर मिलेगा, 5 GB डेटा मिलता है कई स्मार्टफोन पर, कुछ एक स्मार्टफोन पर 10 GB डेटा मिलता है। तो ये आप जियो की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि फिलहाल कौन से स्मार्टफोन पर कितना डेटा फ्री मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला सवाल है वो कुंवर पाल डागर का है, और इनका कहना है, सर कैमरा के मामले में सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा है 25 से 30 हज़ार की रेंज में। देखिए, 30 हज़ार के आसपास, 32 हज़ार के पास आसपास आपको जो ASUS 6Z मिल जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा है, और 20 हज़ार के आसपास जो यहाँ पर जो Samsung A50 है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोनों में आपको काफ़ी अच्छा कैमरा मिलता है। और विवेक जी का यहाँ पर जो अगला सवाल आता है, ये कह रहे हैं, सर Realme 5 कब लॉन्च होगा और ब्रो कितने रुपए में। तो भाई, ये जो है 20 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, तो शायद 10,000 रुपये के आसपास ही आपको मिलने वाला है। कुंदन मीना का अगला सवाल आता है, हेलो भाई कैसे हो, मैं 3 GB Redmi Note 7S लूँ या Realme 3i। तो देखिए, Redmi Note 7S काफ़ी अच्छा रहने वाला है Realme 3i से। तो अगला जो सवाल है वो जितेंद्र सोरेन का है, और इनका जो है लास्ट वीक से जो है पिछले वीक जो है एक सवाल आया था, इन्होंने पूछा था कि वो कौन सा स्मार्टफोन ले अपनी मॉम के लिए। तो इस बार उन्होंने जो है कहा है, सर मैंने आपका कहने पर जो है यहाँ पर Vivo Z1 Pro ले लिया, मेरा माँ बहुत ही गुड फ़ोन है, मस्त चलता है, लव यू ब्रो, माँ की तरफ से थैंक यू। तो भाई, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि Vivo Z1 Pro प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो अगला सवाल यहाँ पर भुवन कुमार का आ रहा है, और ये कह रहे हैं, हेलो सर प्लीज़ मेरा कमेंट जरूर पढ़ लेना, H96X Max Pro एंड्रॉइड टीवी बॉक्स ऑफलाइन मार्केट में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो भाई, ये ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको ये बैंगलोर से परचेज करना होगा। अगला सवाल यहाँ पर आता है दोस्तों राहुल जी का, और ये कह रहे हैं, जियो गीगा फाइबर के 700 वाले प्लान की लिमिट कितनी होगी।
तो भाई अभी तो 100 GB लिमिट बताई जा रही है, वैसे आपको अनलिमिटेड डेटा वहाँ पर मिलेगा और जो स्पीड होगी वो यहाँ पर कुछ कम की जाएगी, तो 100 Mbps मिनिमम स्पीड मिलेगी, तो अनलिमिटेड डेटा शायद आपको ₹700 में मिलेगा। अगला जो सवाल आ रहा है दोस्तों वो रवि ठाकरे का आ रहा है, इनका कहना है सर 15,000 में कौन सा मोबाइल लूँ। तो भाई आप रेडमी नोट 7 ले सकते हो और वीवो Z1 Pro ले सकते हो, और वीवो Z1 Pro अच्छा रहेगा, 14,990 में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल जो आता है दोस्तों वो यहाँ पर आता है न्यू संताली डीजे सॉन्ग का, इनका कहना है सर आपके सारे वीडियो देखता हूँ, सबसे अच्छा फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स, योर सेट टॉप बॉक्स ऑनलाइन कहाँ से खरीदें। तो भाई ये तो जो सॉलिड के सेट टॉप बॉक्स आते हैं फ्री डिश के, यानी कि जो यहाँ पर डीडी फ्री डिश है उसके जो यहाँ पर सॉलिड वाले सेट टॉप बॉक्स आते हैं वो आपको अमेजन पर मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे वो सेट टॉप बॉक्स भी होते हैं। दोस्तों प्रिंस दैया का यहाँ पर जो है अगला सवाल है, और ये कह रहे हैं भाई वीवो Z1 Pro अच्छा या S1। देखिए दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस के हिसाब से आप देखिए कि आपका प्राइस जो है मतलब आपके पास आपका जो बजट है वो कितना है, तो उस हिसाब से आप देखिए दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं। अगला जो सवाल आता है दोस्तों वो यहाँ पर सक्षम खन्ना का आ रहा है, और ये कह रहे हैं भाई जियो कौन कौन से पोस्टपेड प्लान है। तो भाई जियो में एक ही पोस्टपेड प्लान है फिलहाल के लिए, तो जो है 199 वाला, जिसमें आपको 25 GB डेटा मिलता है पर मंथ, तो अभी तो वही प्लान अवेलेबल है। सूर्य प्रताप का दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल आता है, ये कह रहे हैं जियो वीगा फाइबर का प्राइस क्या है। तो अभी तो आपको ये ₹2500 और ₹4500 में मिल रहा है, तो देखते हैं अभी 5 सितंबर से क्या इसका जो है प्राइस रखा जाता है। अभी भी 5 सितंबर के बाद में शायद कुछ नया जो है प्राइस यहाँ पर रखा जाएगा। टेक्निकल विराट का अगला सवाल आता है, सर एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो। तो भाई मैं काइन मास्टर यूज़ करता हूँ अपने स्मार्टफोन पर। तो दोस्तों ये थे आज आप लोगों के कुछ एक सवाल जो मैंने यहाँ पर जवाब दिए, आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।